3 बजे भोर में हम लोग सोए हुए थे, तब तक 4 लोग आए, गेट पर हमला कर दिए, गेट को तोड़ने लगे। उसको रोकने में केवाड़ी तब तक एक किले टूट गया, तो हम लोग उसमें लोहा के हथियार धारदार से वो हमला कर रहा था। छपरा के अमनौर विधायक और उनकी पत्नी पर घर में घुसकर पटना में जानलेवा हमला हुआ है। सारण के अमनौर के विधायक कृष्ण कुमार मंटू और उनकी पत्नी पर पुनाईचक स्थित सरकारी आवास D2 के गेट को तोड़कर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने धारदार हथियार से विधायक और उनकी पत्नी पर हमला किया है। उनकी पत्नी घायल हो गई। शोर होने के बाद विधायक के बॉडीगार्ड और चालक पहुंचे। उसके बाद बदमाशों ने बॉडीगार्ड पर भी जानलेवा हमला कर दिया, पर वे बच गए। उसके बाद चालक और बॉडीगार्ड ने मिलकर बदमाश अविनाश को पकड़ लिया। गया के गगरी गांव के रहने वाले अविनाश को शास्त्री नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस बाबत बॉडीगार्ड के बयान पर शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर अमनौर के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं आप देखिए। 3 बजे भोर में हम लोग सोए हुए थे, तब तक 2-4 लोग आए, गेट पर हमला कर दिए, गेट को तोड़ने लगे तो हम लोग आवाज से जगे, पत्नी और हम थे, बच्चा भी था। उसको रोकने में केवाड़ी तब तक एक किले टूट गया, तो हम लोग उसमें लोहा के हथियार धारदार से वो हमला कर रहा था लोग, तो हम लोग उसके बाद निकल के गेट बंद कर दिए। दूसरा गेट जो रूम का 2 गेट होता है, तो एक गेट तोड़ा, दूसरा रूम हम लोग बंद करके निकल के बाहर गार्ड लोगों को बताए, वो लोग बाहर से दौड़ के आए तो लोग पर भी हमला किया। उसके बाद ये लोग सब लोग दौड़ा तो वो लोग भागने लगे, जिसमें एक लोग पकड़े गए और पुलिस उनको हम लोग सूचना दिए। शास्त्रीनगर थाना को वो लोग आए और पकड़ के वो ले गए। वो लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं, वो लोग कहाँ के हैं, क्या मंशा है, उसके पीछे कौन लोग हैं, जानलेवा हमला करने के पीछे क्या मकसद था, क्योंकि उस व्यक्ति से हमको कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं जानते, नहीं पहचानते, नहीं कहाँ के रहने वाले हैं भी नहीं जानते हैं। अब प्रशासन उनको जाँच कर बता कर जिसके पीछे कौन लोग हैं और किस कारण से हमला किया गया और उसके पीछे जो भी साजिश करता है उस पर कार्रवाई हो, यही हम मांग करते हैं। ये 2 दिन पहले रात की घटना है, 30 अप्रैल की रात की। हाँ, एफआईआर आपने दर्ज करवा दिया? हाँ, सिर्फ एफआईआर दर्ज करवा जी। कब दर्ज करवाया एफआईआर? उसी सेम डे, उसे कल, जैसे रात की घटना 3 बजे हुई, सुबह में प्रशासन कोई एक्शन लिया गया? प्रशासन तो सेम समय आए, उस समय उसको आके ले गए लोग, और उसके बाद भी DSP आए थे देखने के लिए, थाना प्रभारी भी आए थे, वो लोग जाँच पड़ताल कर गए और उनका घर कहाँ है गया वो लोग बताए, गया के रहने वाले वो लोग हैं, हम बोले कि वहाँ भी उनका हिस्ट्री पता कीजिए, क्रिमिनल कोई हिस्ट्री हो और उन लोगों के संबंध में, क्योंकि मोबाइल भी लोग नहीं लाए थे, इसका मतलब वो लोग कोई साक्ष छोड़ना नहीं चाहते थे जिससे कहीं भविष्य में इसका पता चले। कितने लोग थे सर? आवाज़ से कमार तोड़ने के समय 4-5 लोग की आवाज़ अलग रही थी, लेकिन अंदर से तो बाहर कुछ हमको दिख नहीं रहा था, और हम लोग पहले सोचे कि पहले अपनी जान बचाएं, उसके बाद कोई विषय हम लोग बात करेंगे, कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या है, बाहर तो कुछ पता नहीं चला। जब प्रशासन के लोग, हम लोग सुरक्षा गार्ड के लोग, ड्राइवर गार्ड जो भी थे, वो लोग जब बाहर से दौड़ के गए तो वो लोग भागने लगे, वो लोग हालांकि एक पकड़ो तब तक एक आदमी पकड़े गए, बाकी लोग भाग गए। आपकी पत्नी की भी घायल होने की सूचना? जिसे केवाड़ी तोड़ रहे थे लोग, तो लोहा से हमला कर रहा था हम लोग पर, तो रोकी हमको बचाने के लिए, जिसको उसको हाथ में लग गया, जैसे मारा तो हम ही को मारा, लेकिन जो सामने आकर रोक ली, नहीं इनको नहीं लगे, हम ही को, तो हाथ में लोहा के जो छुरा टाइप से था नुकीला, उससे लगा, फिर उसको मेडिकल भी कराए, ठीक है। तो हम लोग सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हैं सरकार। सुरक्षा तो बात की, सुरक्षा तो हम लोग को है ही, जो मिला हुआ है तीन, जो जनरल सब लोग को मिलता है, अलग से यदि लोग प्रशासन महसूस करेंगे तो देंगे, हमारे मांगने न मांगने से तो कुछ होता नहीं है। हम लोग इसी मांग करेंगे जिसके पीछे कौन लोग साजिश करता है, जिसके कहने पर, चूँकि वो आदमी से हमको कोई व्यक्तिगत कोई देवेश नहीं है, ना हमारे जिला के रहने वाले हैं, ना कोई पॉलिटिकल इशू है, और दूसरे जिला के गया के रहने वाले हैं, अब उनका क्या आपको बता दें कि यह मामला 30 अप्रैल का है, जब विधायक और उनकी पत्नी कमरे में थे। इसी दौरान सुबह में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। अंगरक्षक ओम प्रकाश ने पुलिस को जो बयान दिया है उसके अनुसार 3 बजे सुबह ही 4-5 बदमाश गेट को तोड़कर घर के अंदर घुस गए। इसके बाद वे लोग सीधे बेडरूम में चले गए और विधायक और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर मारने की कोशिश की। विधायक हमले में बच गए लेकिन उनकी पत्नी घायल हो गई है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।